चलिए अब हम थर्ड कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। लिखित संचार यानी लिखित रिटन कम्युनिकेशन वो होता है कि अपने जो भी थॉट्स है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम मुंह से बोलकर नहीं, किसी भी जगह, किसी कॉपी में, किसी नोट में लिखकर उस रिसीवर तक पहुंचाए। हम अगर किसी भी मैसेज को, अपने थॉट्स को अगर हम किसी रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मुंह से बोलकर नहीं, हम अपेक्षाकृत लिखकर उस तक भेजे, तो वो हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन। नाम से ही स्पष्ट है, लिखकर भेजना, रिटन, लिखित संचार। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर एडिटर, या फिर जो भी न्यूज़पेपर में जो एडिटर होता है, वो अपनी बात पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर को लिख देता है, न्यूज़पेपर को प्रिंट करता है, और उसके जरिए वो पूरी दुनिया को वो बात पता चलती है। नेक्स्ट है आपकी मैगजीन। मैगजीन भी यही होती है, मैगजीन की कोई भी इंफॉर्मेशन है, एडिटर उसको छाप देता है, प्रिंट कर देता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। क्लियर है? आपको रिटन कम्युनिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके पास प्रूफ हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन में। आप इजीली, अगर आपको एक बात में कोई, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कि एक बार बोल दिया मैसेज, उसके बाद खत्म। अब रिसीवर को समझ आया है या नहीं आया है, उसका सेंडर को पता नहीं चलता है। पर अगर रिटन कम्युनिकेशन है, तो रिटन कम्युनिकेशन में अगर एक बार में रिसीवर को समझ नहीं आया, तो वो दोबारा पढ़ सकता है। उसके पास अवेलेबिलिटी होती है कि वो दोबारा अपने कागज को, अपने नोट को खोलकर पढ़ सकता है। क्लियर है? अब आपकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। किसी कंपनी में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो, औपचारिक सूचना भेजना चाहते हो, कंपनी से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो, तो वो इस कम्युनिकेशन के जरिए ही भेजा जाता है। क्योंकि कंपनी में आप, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर आप इनफॉर्मल हो, जहां पर आप, जैसे घर में कर सकते हैं आप, कॉलेज क्लास में कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, इस तरह से आप कर सकते हैं। पर अगर रिटन कम्युनिकेशन है, तो फर्म में एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज तक अगर कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी पॉलिसीज भेजती है, या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऑर्डर भेजती है, तो वो रिटर्न में पास करके भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका, टू टाइप्स होते हैं इसमें, ग्रुप रिटर्न और इंडिविजुअल। ग्रुप रिटर्न का सीधा सा ताजा एग्जाम्पल है कि जैसे कॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है, तो आपके नोटिस बोर्ड पर लग जाती है, नोटिस बोर्ड पर लग जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, इस पर आप काम करें, वो होता है आपका ग्रुप इन्फॉर्मेशन। इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे आपको पर्टिकुलर एक नोट दिया गया है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप तक ही भेजा गया है, आपके लिए ही भेजा गया है, तो वो है आपका इंडिविजुअल। लास्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, रिटर्न मैसेज। मैंने बताया, रिटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिटर्न मैसेज होता है, जिसको हम इजीली कन्वे कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सोर्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, ट्रेड मैगजीन। ट्रेड मैगजीन क्या होता है कि कंपनी अपने ईयर एंड में अपने एम्प्लॉयज को कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे अपने अकाउंट्स है, अपनी कोई हर टाइप की, कंपनी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो वो रिटर्न में भेजना चाहता है, तो लास्ट में उसकी एक मैगजीन निकलती है, ट्रेड मैगजीन, कि इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है आपका, ये सब कुछ इसमें लिखा आता है। ठीक है? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बुक, संगठन पुस्तिकाएं। इसमें एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्शंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और उनको रीड करके एम्प्लॉयज उन पर वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है कि आपकी अनुसूचियां, आपका टाइम टेबल, एक कर्मचारी किस किस तरीके से काम कर सकता है कंपनी में, वो सारा। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी बुक। पॉलिसी बुक का मतलब यही है कि आप किस तरह से अपनी डिपार्टमेंट की या फिर अपनी कंपनी की पॉलिसीज बनाते हो, और उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इसमें लिखी जाती है, और वो आप आगे एम्प्लॉयज तक पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रोसीड्योर बुक, कार्यविधि पुस्तिका। कंपनी में मैनेजर अपने काम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज तक पहुंचाना चाहता है, डेली काम से लेकर, तो वो प्रोसीड्योर बुक में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका टेलीप्रिंटर।
टेली प्रिंटर दोनों टाइप के कम्युनिकेशन के लिए बेटर होता है। जैसे इंटरनल अगर कम्युनिकेशन करना है हमको तब भी हम टेली प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, और एक्सटर्नल करना है तो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हैंडबॉक्स और डायरी, यानी जैसे बुलेटिन हुआ, हैंडबॉक्स हुआ, डायरी। जैसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है डेली डायरी में फिल कर दो, या आपका जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर लगा दो ताकि इन्फॉर्मेशन इजीली कन्वे हो सके। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है सजेशन बॉक्स। एक कंपनी में सजेशन बॉक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि अपने एम्प्लॉयज उसमें अपनी समस्याओं को लिख कर उस बॉक्स में डाल दे ताकि उसका सजेशन किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। अब अदर्स में है जैसे आप एजेंडा बनाते हो, एजेंडा बोलकर थोड़ी बनाया जाता है, बोलकर थोड़ी बताया जाता है कि इस कंपनी का ये एजेंडा है, इतना प्रॉफिट गेन करना है, आप सब रिटर्न में लिख कर दूंगे। क्लियर है? सोर्स हमने पढ़े ट्रेड मैगजीन, ऑर्गेनाइजेशनल बुक, स्केड्यूल, पॉलिसी बुक, प्रोसीड्यूर बुक, टैली प्रिंटर, हैंडबॉक्स, डायरी, बुलेटिन, न्यूज़पेपर, सजेशन बॉक्स, अदर्स में है आपका एजेंडा और ये सब कुछ। क्लियर है? चलते हम आगे एडवांटेज की तरफ। एडवांटेज, एडवांटेज का सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न प्रूफ। रिटर्न कम्युनिकेशन में यही सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि आपको रिटर्न में प्रूफ मिल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन आई थी। क्लियर है? नेक्स्ट है करेक्ट मैसेज। बोलने में कभी कभी चूक भी हो सकती है पर लिखने में हम सोच विचार कर लिखते हैं, तो इसलिए करेक्ट मैसेज होता है हमेशा। नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट। कभी भी व्यक्तिगत इसमें अगर रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो सेंडर है उसका रिसीवर से कोई कनेक्शन ही हो, जरूरी नहीं है। ठीक है? कंपनी में मैनेजर अगर इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके या फिर नोटिस बोर्ड पर लगाता है तो जरूरी थोड़ी है कि हर मैनेजर हर एम्प्लॉय से उस मैनेजर का पर्सनल कॉन्टेक्ट हो। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटनेस। रिटर्न मैसेज जो होता है वो काफी समझदारी से लिखा जाता है, सोच समझ कर लिखा जाता है, उसमें जो आवश्यक बातें होती है वही लिखी जाती है, इसलिए ये हमेशा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, कम खर्चीला होता है। अगर जैसे कोई मैसेज भेजना भी है तो रिसीवर अगर कुछ डिस्टेंस पर रहता है तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन की जगह पर रिटर्न भेजते हैं तो कुछ नॉमिनल पोस्ट ऑफिस के चार्जेस लगते हैं जो नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के। क्लियर है? फिर है इन्फॉर्मेशन टू मैनी एट वन टाइम। बहुत सारे लोगों को हम एक साथ इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए। क्लियर है? एडवांटेज हमने पढ़ा, रिटर्न प्रूफ, करेक्ट मैसेज, नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट, कंप्लीटनेस, इकोनॉमिकल, इन्फॉर्मेशन टू मैनी एट वन टाइम। अब हम इसके डिफेक्ट्स यानी डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन के भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला है वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अगर किसी बात को बोलकर बता सकते हो तो उसमें लिखकर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? मैंने कर्मचारी को, मैंने आपको बोलना है कि आप ये पढ़कर आना, मैं बोल भी सकती हूं, इसकी जगह पर अगर मैं आपको लिख कर दूं हर एक की कॉपी में तो वो टाइम वेस्ट होगा मेरा। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट क्या होता है कि जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन की अपेक्षाकृत ये हमेशा ज्यादा खर्चीली होती है। जैसे अगर रिटर्न कम्युनिकेशन करना है किसी कंपनी में, वहां पर पेपर होना चाहिए, कागज, इंक, आपका पेन, आपकी टाइप करने के लिए टाइपिस्ट भी जरूरी है, हर बात के लिए टाइप करने के लिए मैनेजर टाइप नहीं करता है, तो वहां पर इन सब की कॉस्ट वर्बल कम्युनिकेशन के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब यही है कि आप अपनी गोपनीयता नहीं रख सकते हैं। कैसे नहीं रख सकते हैं कि जैसे अगर आपने कोई मैसेज भेजा या कोई रिटर्न कम्युनिकेशन किया है, मैनेजर ने डायरेक्टर ने मैनेजर को दिया, मैनेजर उसको पढ़ा, उसको पता चला क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर मैनेजर ने उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ दे दिया, फिर उसने पढ़ा, उसको पता चला क्या इन्फॉर्मेशन थी, फिर जाकर वो एम्प्लॉयज तक पहुंचती है, तब तक उसकी गोपनीयता खत्म हो जाती है, सीक्रेसी खत्म हो जाती है। लास्ट है नो सूटेबल इन इमरजेंसी।
आपातकाल आता है, इमरजेंसी आती है, तब आपका ये रिटर्न कम्युनिकेशन काम का नहीं होता है। जैसे कोई इमरजेंसी, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहां पर आप रिटर्न में लिखकर नहीं बता सकते कि यहां पर एक्सीडेंट हो रहा है। आप वर्बली ज्यादा कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है? अब लास्ट इसका जो टॉपिक बचता है वो है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है आपके? ऑडियो विजुअल का मतलब यही होता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए अगर बिजनेस में आप बोलकर भी कर सकते हो, आप नॉन वर्बल तरीके से भी कर सकते हो, पर अगर आपको, जैसे आप अगर ऑडियो विजुअल करते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप टीवी के थ्रू कर सकते हो ऑडियो विजुअल, फोन पर कर सकते हो ऑडियो विजुअल, आपको दिखता भी है और आप सुन भी सकते हो उस मैसेज को, आप उस मैसेज को देख भी सकते हो और उस मैसेज को सुन भी सकते हो। ऑडियो विजुअल का यही मतलब है, देखना और सुनना। जैसे कैमरा है, रिकॉर्डर है, तो उनमें आप क्या करते हो, आप अपने सेंडर अपना मैसेज देखकर भी, सेंडर अपना मैसेज भेजता है तो उस मैसेज को रिसीवर देख भी सकता है और सुन भी सकता है और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो सकती है। क्लियर है? आज हम अपनी क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू।